नमस्कार। भक्ति भाव में डूबे हुए छठ व्रतियों ने गाय के दूध से उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया और हवन के बाद चार दिवसीय आस्था व प्रकृति पूजा का महापर्व छठ संपन्न हो गया। छठ महापर्व को लेकर संपूर्ण बिहार भक्ति के माहौल में डूबा रहा। शहर के चारों ओर छठ मैया के गीतों की धुन सुनाई देती है। स्थानीय नदियों और तालाबों के तट पर मनोरम दृश्य देखने को मिला। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ पर्व समापन अर्घ्य प्रदान करने के साथ ही प्रसाद ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी के साथ ही लंबे समय तक व्रत उपवास रखने वाले छठ व्रतियों ने जल छठ मैया का प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ा। प्रगाढ़ आस्था और भक्ति का त्योहार में छठ व्रती से लेकर उनके परिजन और आसपास के क्षेत्र के लोगों में चार दिन तक उत्साह बना रहा। बैंड बाजा और छठ मैया के गीत के साथ स्थानीय लोग भी काफी संख्या में छठ घाट तक पहुंचे तो कई श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों की छत पर पूजा किया और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। श्रद्धालु प्रातः काल से ही छठ घाट की ओर डाला के साथ रवाना हो गए। सूर्य की लालिमा देखते ही व्रती एवं श्रद्धालुओं के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। इससे पूर्व व्रती श्रद्धालुओं ने घंटों भगवान सूर्य के उदय का इंतजार जल में खड़े होकर किया। व्रती के जल से निकलने के बाद लोगों ने उनके पांव छुए और आशीष किया इस दौरान व्रतियों ने पुरुषों को टीका लगाया तथा महिलाओं की मांग में सिंदूर दिया तथा उनके सुहाग की दीर्घायु होने की प्रार्थना की। अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद प्राप्त करने की होड़ लग गई। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। छठ पूजा को लेकर राजधानी पटना में प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई थी। प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। आज सुबह अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुए इस महापर्व पर व्रतियों ने सबके सुख की मंगल कामना की और भगवान भास्कर से पूरे देश में सुख समृद्धि और सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।